की वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग, वो भी किस प्रोडक्ट की। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे एंटी स्पोर्ट रॉयल फ्लो 120 ऑटो आरजीबी फैंस की। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त अमरी, तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न कुछ नया। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए गाइस बॉक्स ओवर लेते हैं ओपन, और ये है हमारा आरजीबी का फैन। तो चलिए सबसे पहले हम बॉक्स ओवर लेते हैं ओपन। एक मिनट। बॉक्स के ओपन करने से पहले हम बॉक्स के पीछे जो इसके फीचर्स हैं उनको रीड करना कैसे भूल सकते हैं गाइस। तो चलिए अभी हम करेंगे इनको रीड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी आरपीएम देख सकते हैं, ये इसकी वोल्टेज है, ये सभी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, नीचे इनका यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है और चीजें लिखी हुई हैं। तो चलिए अभी हम इसके बॉक्स को करते हैं ओपन। और जैसे ही हम अपने बॉक्स को करते हैं ओपन, हमें मिलता है हमारा एंटी रॉयल फ्लो का हमारा आरजीबी फैन। तो गाइस एक बार जरा आप इसकी लुक को देखिए गाइस, कितनी अच्छी इसकी लुक है। यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का फैन दिया जाता है, यहाँ पर आपको ग्लास दिए जाते हैं, जिससे आपकी जो लाइटिंग के कलर है वो और भी ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ इसकी आपको मोटर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप इसकी आरपीएम देख सकते हैं, यहाँ पर ये कितनी एम्पीयर ले रहा है, ये चीजें लिखी हुई है। और साथ ही साथ आपको ये वायर जो है, ये है वायर हमारी कनेक्टर, ये है हमारा जिससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी पावर सप्लाई के साथ। तो खैर वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि कैसे आप इसको अपनी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं फिलहाल इसको साइड में और बॉक्स के अंदर देख लेते हैं और क्या क्या आपको देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर आपको ये एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, और आपको ये QR कोड दिया जाता है जिसको आप स्कैन करके वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। और पीछे की तरफ आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं इसको भी साइड में, और बॉक्स के अंदर आपको एक और चीज देखने को मिल जाती है गाइस, और वो है ये छोटा सा पैकेट जो आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से। जी हाँ गाइस, क्या हो सकता है इस छोटे से पैकेट में। तो चलिए इस पैकेट को कर लेते हैं ओपन। तो जैसे ही हम इस छोटे से पैकेट को करते हैं ओपन, तो इसमें से क्या निकलता है, वो निकलते हैं नट्स। जी हाँ गाइस, ये नट्स जिनकी हेल्प से आप इनको माइनिंग रिग के ऊपर आसानी से अटैच कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही छोटे से नट्स दिए जाते हैं जिनकी हेल्प से आप इनको आसानी से अटैच करेंगे, ये आपको मेटल के मिल जाते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसको कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल चाहिए होगी। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होगी ये मोलेक्स की केबल। जी हाँ गाइस, आपको ये मोलेक्स की केबल जरूरी चाहिए अगर आप इस फैन को कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी पावर सप्लाई के साथ। तो मैं जो पावर सप्लाई यूज करता हूँ वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं कौन सी पावर सप्लाई को यूज करता हूँ। तो मैं यूज करता हूँ कूलर मास्टर की 18+ गोल्ड मॉडल की, जिसकी वोट है 850 वोट की, आपको ये मिल जाती है। यहाँ इस पावर सप्लाई के साथ मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा अपने आरजीबी फैन को विद हेल्प ऑफ मोलेक्स केबल। जी हाँ गाइस, तो चलिए अभी हम करेंगे इसको कनेक्ट। तो कर लेते हैं इसको जल्द से जल्दी कनेक्ट। ये है हमारी माइनिंग रिग, और इसके ऊपर मैंने पहले से होल किए हुए हैं, आप भी इसके ऊपर होल कर लीजिए अपने आरजीबी फैन को इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको जो आरजीबी फैन के बॉक्स के अंदर जो नट्स मिले थे उसकी हेल्प से आपको इसके ऊपर लगा देने हैं। तो चलिए अब हम फटाफट से इनको कर देते हैं टाइट। और आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इसको नट को लगाए तो नट को आपको फुली टाइट कर देना है ताकि आपका जो आरजीबी फैन है वो नीचे ना गिरे। तो चलिए अभी हम दूसरे को भी फटाफट से टाइट कर देते हैं। ये हमने दूसरे नट को भी टाइट कर दिया है फटाफट से, और सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही आपको दूसरे आरजीबी फैन को भी लगा देना है। आप देख सकते हैं अभी हमने अपने दूसरे फैन को लगा दिया है, और अभी हम करेंगे इनको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट विद हेल्प ऑफ मोलेक्स केबल। तो ये है हमारी मोलेक्स केबल जिसकी हेल्प से हम इसको लगाएंगे अपनी पावर सप्लाई के साथ। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी मोलेक्स केबल को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये हमने अपनी पावर सप्लाई के साथ मोलेक्स केबल को कर दिया है कनेक्ट। तो अभी हम करेंगे अपनी इस मोलेक्स केबल को अपने आरजीबी फैन के साथ कनेक्ट। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी मोलेक्स केबल को अपने आरजीबी फैन के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको व्हाइट वाले को ही कनेक्ट करना है, आपको ब्लैक वाले को कनेक्ट नहीं करना है। How to feel anyway.
second bed, I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming close so we can do my place? Maybe we can try me. तो गाइस मैं लास्ट में आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने माइनिंग स्टार्ट की है या आप माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप अपने रिंग के लिए लोएस्ट प्राइस में एक स्टैंड ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम रिंग के लिए स्टैंड को मैन्युफैक्चर करते हैं और अगर आप उनको बाय करना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कीजिए और अपने ऑर्डर को प्लेस कीजिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियो लेकर आएं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।